नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। हम बात करेंगे उस हाईटेक सिटी की जो अब गुड़गांव से गुरुग्राम बन गया। साइबर सिटी के नए नाम पर शहर के लोगों का क्या कहना है, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड इसे किस तरह से देख रहा है और सरकार के नाम बदलने को लेकर मंशा क्या है, हम इन सब पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट गुड़गांव से गुरुग्राम के सफर पर। ये हिंदुस्तान के 21वीं सदी का शहर है, वो शहर जो अपने हाईटेक चरित्र में विदेशों के बड़े शहरों से कदम ताल मिलाता है। लेकिन यही शहर अपने नाम के जरिए परंपरा, इतिहास और मिथकों से जुड़ रहा है। ये देश की राजधानी दिल्ली से सटा हरियाणा का शहर गुड़गांव है, जो अब गुरुग्राम कहलाएगा, महाभारत काल के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। ये गुरुकुल है, मेरे घर का आंगन नहीं। आंगन पर तुमसे अधिक अधिकार किसी का नहीं है, परंतु गुरुकुल में उसका अधिकार अधिक होगा जो सबसे अच्छा शिष्य होगा। इस जगह की जड़ें द्वापर युग तक जाती हैं। कहते हैं कि यहीं पर द्रोण का आश्रम था, जहां उन्होंने कौरव पांडव को शिक्षा दीक्षा दी थी। इतिहास की उंगली पकड़कर यह शहर परंपरा के एक छोर से चलकर आधुनिकता के दूसरे छोर पर खड़ा है। लेकिन नजरें इतनी बड़ी हैं कि इसे आधुनिकता वाला विकास भी दिखता है और परंपरा की पहचान भी। पूरे प्रदेश में इस बात की बड़ी खुशी है कि एक जो परंपरागत नाम है हमारा गुड़गांव का, जो गुरुग्राम था, उसको वापस इस गवर्नमेंट ने किया है। नाम चेंज करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नाम जो है गुरु द्रोणाचार्य के नाम से रखा गया है, तो ऑब्वियसली इट्स ए रिलीजियस थिंग एंड कल्चरल थिंग फॉर द इंडिया। अच्छा स्टेप है, बट इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी गवर्नमेंट को इसके साथ फ्लो में रखनी चाहिए थी कि हाँ इसका बाकी चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नवरात्रे चल रहे हैं, आज माँ कालरात्रि का जो आज दिन है, और हम बहुत प्रसन्न हैं गुड़गांव के लोग कि गुरु द्रोण की इस पावन भूमि को, गुरु द्रोण माँ शीतला का आशीर्वाद रहा यहाँ पर हम सब पर, जो अश्वत्थामा रहे उनकी माँ है, और आज हमारे गुड़गांव का नाम गुरु ग्राम के नाम से जो हुआ है, ये हमारे एक इतिहास है इसके पीछे। ये फैसला एक दिन का नहीं है, 2010 में ही गुड़गांव का नाम गुरुग्राम बनने की कवायद शुरू हो गई थी, लेकिन प्रस्ताव लंबे समय तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। 2014 में गुड़गांव नगर निगम ने इस प्रस्ताव को पारित किया, जिसे अब हरियाणा सरकार ने हरी झंडी दिखाई है, और इसके साथ ही गुड़गांव अब गुरुग्राम हो गया है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, कभी गुरु द्रोणाचार्य की नगरी कहलाने वाला ये इलाका अब गुड़गांव के नाम से जाना जाता है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसे फिर से इसका पुराना नाम दे दिया है। अब देखना यह होगा कि लगभग 3 दशकों में कई बदलाव देख चुके गुड़गांव के लोग आखिर इस बदलाव को किस रूप में लेते हैं। कैमरामैन प्रताप के साथ रवीश पाल सिंह, गुड़गांव आज तक। और आइए आपको दिखाते हैं नए नाम पर शहर के लोग क्या राय रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं राहुल कंवल, और आज हम हैं गुड़गांव में, या मैं कहूं गुरुग्राम, जहां पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि क्या गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम करना खट्टर सरकार का सही फैसला था या गलत। हम लोग साइबर हब में हैं, यहाँ पर तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर हैं, और एक नया चेहरा, मिलेनियम सिटी का चेहरा यहाँ पर गुड़गांव का देखने को मिलता है, और लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार नाम बदलने की वजह क्या है। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं, यहाँ पर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं रीना ढाका से, जानी मानी फैशन डिजाइनर हैं, उसके अलावा आमिर रजा हुसैन थिएटर पर्सनालिटी हैं, हमारे साथ आशीष दुआ हैं कांग्रेस पार्टी से, साथ ही साथ रमन मलिक ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इस वक्त हमारे साथ हैं वेद प्रताप वैदिक जो कि जाने माने हिंदुज्म के स्कॉलर हैं। इसके अलावा कई सारे इन्हीं बिल्डिंग्स में, इन्हीं दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, जिनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो नाम बदलने के फैसले से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। रीना ढाका जी, आपसे शुरू करते हैं, आपका यहाँ पर गुड़गांव में बड़ा दफ्तर चलता है, आप यहीं के रहने वाली, क्या आपके हिसाब से गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम करना ये बीजेपी सरकार का सही फैसला है, आप इसको गलत मानती हैं? सी, ये कह रहे हैं, मैंने अभी सुना कि जो गांव में लोग हैं वो अर्बन सिटी वाले लोग तो नहीं बदलना चाहते, पर गांव वाले बदलना चाहते हैं। पर मेरे जहां तक नॉलेज है, क्योंकि गांव में जो लोग हैं वो तो र बोल ही नहीं सकते हैं, तो वो तो इसको वैसे ही गुड़गांवा ही बुलाएंगे या गुड़ग्रामा बुलाएंगे अब, तो ये उनके प्रोनाउंसिएशन का हैंडीकैप है, ये उनका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, ये लैंग्वेज है। सो आई एम नॉट सो श्योर ये हरियाणा के जो ट्रेडिशनल गांव वाले लोग हैं वो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं,
और दूसरी बात ये एक डेली इनकन्वीनियंस जो हम ब्रिज करेंगे अब इन द नेक्स्ट 30 डेज ऑफ रिक्रिएटिंग एड्रेसेस क्रेडिट कार्ड्स कार्ड्स सबका जो वो मतलब बदलेगा इज इन दिस अ वेरी बिग कॉस्ट ऑफ टाइम एंड मनी टू एवरीबडी इन दिस जोन। चलिए आपसे पूछते हैं आपके हिसाब से फैसला सही है नाम बदलना? मैं बिल्कुल इस फैसले के हित में नहीं हूँ। मैं यहाँ पे रेजिडेंट हूँ, मैं गुड़गांव ही बोलती हूँ और मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है 6000 प्लस पीपल वी आर देयर एंड वी आर रेगुलरली टॉकिंग अबाउट कि हमें गुड़गांव ही पसंद है, गुरुग्राम से हम एसोसिएट नहीं करते। देर आर मोर बिगर इशूज़, हमारी सेफ्टी। हम यहाँ पे 8 बजे के बाद लेडी अकेले नहीं निकल सकती है। मेरी 12-13 साल की बेटी है, मैं उसको बाहर नहीं भेजती हूँ, इट्स नॉट सेफ फॉर अस। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ज़ीरो। आप बाहर से देखिए, यहाँ पे कुछ टाइम पहले समिट हुआ था, सिर्फ आउटर गुड़गांव को साफ सुथरा कर दिया गया, बाहर के लोगों को आप बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं मेक इन इंडिया, एंड आप खुद ही उनको कंफ्यूज कर रहे हैं कि इज इट गुड़गांव या गुड़ग्राम। ठीक है, मैं चाहूँगा कि बीजेपी के प्रवक्ता इस सवाल का जवाब दें कि यहाँ पर असली समस्याएँ हैं, ट्रैफिक की समस्या है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या है, उन पर आप ध्यान नहीं दे रहे, आपको नाम बदलने की पड़ी है। राहुल जी, जितना ध्यान ये सरकार दे रही है और जिस प्रकार से दे रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जितने प्रोजेक्ट पिछले 10-10 साल से अटके पड़े थे, केएमपी कब से हम सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की मांग थी वो आज तक अटका पड़ा था, हमने शुरू करा 11 महीने के अंदर एक लेग उसकी डिलीवर भी हो गई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे जो भी हो, चाहे ये गोल्फ कोर्स रोड थी या वो, हमने हर एक प्रकार से हर विषय के ऊपर ध्यान दिया है। नहीं, नाम क्यों बदला? नाम बदलने की वजह ये है कि इस जगह का ओरिजिनल नाम गुरुग्राम ही था, क्योंकि ये जगह गुरु द्रोणाचार्य को गुरुकुल चलाने के लिए दी गई थी और वहाँ तब से ये गुरुग्राम था। बाद में जब अंग्रेज आए और बाकी चीजें और मोल आए, उस समय इसको प्रोनाउंसिएशन उनके लिए प्रॉब्लम थी। अंग्रेजों ने नहीं किया वो, आप कह सकते थे कोलकाता का नहीं कर दिया, मुंबई का बॉम्बे कर दिया, गांव में अंग्रेजों का कुछ नहीं था। अंग्रेजों के वक्त पर तो ये तो बहुत छोटा सा गांव था सर, ये पहली तो आजादी के बाद ही शहर बना है। इंफॉर्मेशन के लिए, पहली बारी यहां पे जब यादवों के लोकल रूलर्स थे, उस समय भी यहां छावनी बनाई गई थी और यहां पे कैवलरी जो होती है घुड़सवारों की फौज वो सेट करी गई थी, ताकि आप ये एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस था जो राजपूत वहां से आके अंग्रेजों को चैलेंज करते थे, वो हिस्ट्री है। लेकिन गुरुग्राम बोलना, अपनी हिस्ट्री से कनेक्टेड रहने में आप अपना अस्तित्व नहीं भूल जाते। जो ये सिटी है, जो ये कर रहा है, वो करता रहेगा और सरकार की निरंतर एक विजन है कि वो इस सिटी को शायद हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन सिटी बना के छोड़ेगी। चलिए मैं कुछ और नागरिकों से बात करता हूं। चार अंडर पास हमने बनाते हैं बनाने के नाम बदलने का। मैं इस डिसीजन से सहमत नहीं रहता, आई डोंट अग्री विद दिस डिसीजन, बिकॉज वी हैव लार्ज, हमें और भी कई मुद्दे हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए रादर देन चेंजिंग अ नेम। सो टू थिंग्स आई वुड लाइक टू से यहाँ पे कि नाम क्या है, नाम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्सनस आइडेंटिटी। सो गुड़गांव या गुरुग्राम बोथ बॉटम लाइन सेम है गुरु द्रोणाचार्य के ओरिजिन से, द पांडवास गिफ्टेड दिस प्लेस टू दिस गुरु द्रोणाचार्य। सेकेंड, पीपल हैव इलेक्टेड द गवर्नमेंट टू डू वर्क, वर्क शुड बी विजिबल, विच इज नॉट सीन इन दिस लास्ट 2.5 इयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जी जवाब दीजिए, बीजेपी सरकार को वोट पड़ा काम करने के लिए, नाम बदलने के लिए नहीं, तो नाम क्यों बदलते फिर रहे हैं? क्या लॉजिक है, आप क्या तथ्य देंगे? मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि सरकार को खूब डट के काम करना चाहिए। वो बहन की बात से भी सहमत हूँ कि स्त्रियों की सुरक्षा होनी चाहिए और बहुत सारे काम होने चाहिए, लेकिन नाम बदलना और वो काम करना, इन दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। और मेरा ये कहना है कि जो राष्ट्र, जो समाज अपने भूतकाल को भूल जाता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। इसलिए मैं जरूरी समझता हूँ, सज्जन आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, नामों को भ्रष्ट न करें। हमारे नाम जो भ्रष्ट हो गए इस देश में, कई कारणों से भ्रष्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विदेशियों ने भ्रष्ट किए हैं, हमने भी कई नामों को मुख सुख के कारण भ्रष्ट कर दिया है। अगर उनके मूल रूप को हम धारण करें तो कोई बुराई नहीं है उसमें, उसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है। मैं एक बहुत ही मूल समस्या बताना चाहता हूँ। मेरी एक कंपनी है, पीआर प्रोफेशनल, एक मीडिया की कंपनी चलाता हूँ, छोटी सी कंपनी है। आज तकनीकी का ज़माना है, यहाँ पे गूगल आसपास रहता है। मैंने बहुत पैसा खर्चा किया अपनी कंपनी, अगर कोई आदमी आज की डेट में सर्च करता है बेस्ट पीआर एजेंसी इन गुड़गांव तो मेरा नाम आ जाए। अब क्या हुआ कि गुड़गांव की वजह से
गुरुग्राम होते ही मेरा सारा पैसा एक सेकंड में मिट्टी में मिल गया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल से पहले गुरुग्राम का नाम सुना था हाथ ऊपर? कल से पहले जिन्होंने सुना था? अच्छा, अच्छी बात सुना बुरा है? जिन्होंने नहीं सुना था वो हाथ ऊपर करें। कोई सही बात सर, सुनना बुरा है? वैदिक जी देख लीजिए ना, मेरा ये कहना है सर, डेमोक्रेसी यही तो फर्क है राहुल जी। सर डेमोक्रेसी में आप ये जो हाथ उठवा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई गलत बात ठीक करके सही बात पहली बार सुनना कोई अपने आप में गलती है क्या? नहीं नहीं, लेकिन लोगों से पूछा तो जाना चाहिए। हाँ, पूछा जाना चाहिए। बिना पूछे उसका तरीका है, उसका तरीका है। बिना पूछे सरकार लोगों, सुनिए, अगर ये फैसला ठोसती है क्या ये ठीक था? लोगों ने चुनकर विधानसभा में अपने विधायक भेजे हैं, कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है, भाजपा ने भी इसका समर्थन किया है। विधायक जनता के प्रतिनिधि है, की राय बिल्कुल बोगस है। एक मुद्दा नाम चेंज का जो आपने उठाया कि बहुत सारे शहरों के नाम चेंज हुए, बॉम्बे का मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ मद्रास का, बेंगलोर का बेंगलुरु हुआ, ये सारे एंग्लिसाइज नेम थे। ये आपकी बात बहुत सुनिए, मुझे बहुत देर के बाद मौका मिला है, मुझे कहने दीजिए प्लीज। ये जो नाम चेंज हुए ये एंग्लिसाइज नेम थे, अंग्रेजों के टाइम पे जब उनको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती थी तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम रख लिए और वहाँ की जनता इसी तरह से वही नाम पुराने वाले लिए जाते थे और जो वापस रिवर्ट कर दिए गए। गुड़गांव का कभी भी जैसे नाम हम देख रहे हैं सबसे सुना कि कल से पहले बहुत लोग गुरुग्राम नहीं सुना था। गुरु द्रोणाचार्य का नाम था जिसके लिए मेट्रो स्टेशन जो पहला वाला गुड़गांव में एंटर होते ही पहला मेट्रो स्टेशन गुरु द्रोणाचार्य का नाम उस पर रखा गया। दैट वॉज रिस्पेक्ट गिवन टू गुरु द्रोणाचार्य के उन पहला जैसे ही मेट्रो आएगी पहला स्टेशन पहला हब जो पॉइंट है वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे है। अब जहाँ तक गुड़गांव का नाम है तो साइबर हब, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, ये आज जो इसकी पूरे विश्व में पहचान है गुड़गांव की, वो आपने जो एक मिनट में मिट्टी में मिला दी। ग्राम हरियाणा में बोला ही नहीं जाता है, अगर आपको पता हो, रीना ढाका जी बोल रही थी कि ग्राम के नाम से हरियाणा में कोई भी जगह नहीं है, आप सारे गांव के नाम से ही मिलेंगे। हरियाणा में खासतौर से पिछले कुछ दिनों में मूर्थल का रेप का मामला सामने आया, सरकार कोशिश कर रही थी उसको दबाने की, तो लोगों को लग क्यों तो कोर्ट में हुआ ना, हम नहीं दबा रहे, कोर्ट में आपने पहले कहा कि रेप नहीं हुआ, अब आपने कल जाके माना कि रेप, मेरा अगर दबाने की कोशिश होती। आप सवाल का जवाब दे रहे, सवाल तो सुन लीजिए। लोगों का मानना है कि क्योंकि कई सारी एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज आई है, अब आप उसको बदलना चाह रहे हैं, अब आपको डेवलपमेंट का तो कोई तरीका मिला नहीं तो आपको लगा नाम बदल दो, इसी से लोग बड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए अब मैं जवाब दे दूं। बेशक। देखिए दो चीजें बोलूंगा, पहला विषय आपने बोला मूर्थल के रेप का, जहां तक मूर्थल के रेप की बात है और जो कथित रेप थे बाद में जिनके लिए दो तीन लेटर्स आई हैं, पुष्टि हुई है या उनके की कंप्लेंट्स आई हैं, बकायदा इस सरकार ने बार बार पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देकर टेलीफोन नंबर्स देकर बार बार बोला है जनता से कि जिसके पास भी कोई भी साक्षात हो, कोई भी तथ्य हो, कोई पीड़ित है वो सामने आए। जहाँ ये तो एक बात हो गई, और जहाँ तक आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, कुछ एक वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसे भी हैं जो बार बार इस सरकार को आज से नहीं 2002 से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार और इसकी मानसिकता या इसमें लोगों की मानसिकता नेगेटिव है, लेकिन फर्क ये आया आप एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, मैं जनता की भी बात सुना, आपने बात कही, जहाँ तक बोला डेवलपमेंट की बात, जितनी डेवलपमेंट आज आपको दिख रही है और क्या दिख रही है, मुझे तो सड़कों में खड्डे दिख रहे हैं, मुझे तो ट्रैफिक जैम दिख रहे हैं सर, ट्रैफिक तो जैम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। आप एक चीज बताइए, जब आप गाड़ी चला के शॉर्टकट मार के उल्टे रास्ते से जाते हैं तो वो ट्रैफिक जैम मुख्यमंत्री आके करता है क्या? When we have given the vote for BJP, we have lot of expectation in terms of road. अभी गुड़गांव जो है इस स्मार्ट सिटी में नहीं है, हाईएस्ट पेइंग आई थिंक सिटी इन द हरियाणा, आई थिंक इट शुड बी गुड़गांव, बट स्मार्ट सिटी में नहीं है। अभी आप ये बोल रहे हैं कि हम लोग अपोजिट लेन में, बट यू नो दैट कि इंडिया में सब कुछ इन्फोर्स करना पड़ता है, क्यों नहीं आप लोग ट्रैफिक पुलिस सब अच्छे से रखते हो कि वो कोई भी रॉन्ग टर्न ना कर सके। और जहाँ तक चीज़ें ये सब सबसे ज़्यादा हम लोग डेली अपने कंपनी में बात भी करते हैं कि कैसे ये चीज़, हमने भी वोट दिया है, आई एम ऑल्सो बिग सपोर्टर ऑफ बीजेपी,
बट हम लोगों को ये लगता है कि बीजेपी ने अभी जितने एजिटेशन हुए कोई स्ट्रांग स्टैंड नहीं दिखा उनका, मुझे कहीं से नहीं दिखा कि हाँ मनोहर खट्टर ने कुछ स्ट्रांग, सबको यहाँ तक संसद में भी उसकी बात नहीं हुई, ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी। हम अपने दर्शकों के विवेक पे छोड़ते हैं कि वो इस फैसले को सही मानते हैं या गलत। क्या गुड़गांव का नाम बदलने से, गुरुग्राम करने से कोई फ़ायदा यहाँ पे लोगों को मिलेगा या नहीं, ये वाकई में एक बड़ा बहस का मुद्दा है। लेकिन जैसे बार बार जनता ने जताया कि यहाँ पे महिला सुरक्षा की दिक्कतें हैं, ट्रैफिक की दिक्कतें हैं, सड़कों की दिक्कतें हैं, उनका समाधान निकालना नाम बदलने से कहीं ज़्यादा अहम है। आप सब जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत, हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था, दो दिन पहले ही उन्हें नोएडा से। द शो इज परफेक्टली फाइन, इट्स हेल्दी, इट्स नॉर्मल एंड इट्स कूल लाइक ऑलवेज। लिटिल बेबी कॉल्ड द आईफोन एसई हैज अराइव्ड इन इंडिया एंड वी गॉट अ हैंड्स ऑन इट। वी हैव टोल्ड यू अ लॉट अबाउट द फोन, रीजंस टू बाय इट एंड